क्या प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअली हम क्लोन कर सकते हैं या फिर एकदम सेम फेस बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ड्रास्टिकली? सो आई थिंक क्लोनिंग इज समथिंग व्हिच इज सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी मूवी सीन फॉर यू. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? अ लॉट ऑफ इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी. सो देयर आर डेफिनेटली ट्रेंड्स लाइक having a particular type of body shape or having a particular type of feminine appearance, masculine appearance, because if two people tell the person that आप जो सोच रहे हैं वो impossible है या वो you know scientific नहीं है, then probably it makes more sense to the person. So इसमें plastic surgeon का उतना मतलब role नहीं है या उतनी गलती नहीं है, because he or she has just done what the patient wants. And बेसिकली कौन सी ऐसी वार्निंग साइन है जो कि यू नो अनक्वालिफाइड डॉक्टर की पहचान है? विदाउट टेलिंग यू कि आपको स्वेलिंग भी आ सकती है, आपको डाउन टाइम भी लगेगी, आपको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. इफ़ सो ऐसे जब उनको मैं टाइमलाइन देता हूँ, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड कि कितने दिन घर पर रुकना है, कितने दिनों बाद आप सोशल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं. जिन्होंने सर्जरी की है वो तो कभी चाहते नहीं कि मैं किसी को बताऊं कि मैंने सर्जरी की है, और जिन्होंने सर्जरी नहीं की वो तो चाहते हैं कि मैं किसी से बात करूं. ऐसा नहीं कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो आप गुस्से में आके कोई सर्जरी करो, या आपको लाइफ में सैलरी नहीं बढ़ रही या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा. आप कितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज कराएंगे एंड स्टिल इफ़ द एडिक्शंस आर गोइंग टू बी देयर, द रिजल्ट्स मे नॉट लास्ट. So welcome back to Cosmetic Tales with Dr. T. So today I have a list of very interesting questions for you, sir. Sure, yeah. So let us start with. So basically, क्या plastic surgery में actually हम clone कर सकते हैं या फिर एकदम same face बना सकते हैं या change कर सकते हैं drastically? So cloning is still in experimental stages. It is not yet very successful in humans. क्लोनिंग ये अभी तक सिर्फ रैट्स और लैब एनिमल्स पे ही टेस्ट किया जा रहा है. एंड क्लोनिंग ऑल्सो हैज़ लॉट ऑफ एथिकल इशूज स्टिल विच हैव नॉट बीन आंसर्ड. सो आई थिंक क्लोनिंग इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एटलीस्ट अनदर फ्यू डेकेड्स. सो आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी मूवी सीन फॉर यू. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? पहचानने की बात कर रहे हो? दरअसल मेरा ना बचपन में जन्म हो गया था और माँ मेरी लेडीज थी. जिस बंदे ने मेरे बाप का कत्ल किया था ना, 3 बार उसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली, फिर भी मैंने उसे पहचान लिया क्योंकि प्लास्टिक तो हमारी दुकान से लेके जाता था ना. ये प्लास्टिक. सो डू वी एक्चुअली यूज प्लास्टिक इन प्लास्टिक सर्जरी? नो. सो दिस इज अ वेरी ओल्ड मीम दैट ऑलवेज कम्स अक्रॉस व्हेन समवन हियर्स द वर्ड प्लास्टिक सर्जरी. बट प्लास्टिक सर्जरी, द नेम प्लास्टिक इज एसेंशियली अ ग्रीक वर्ड called plastikos, which means to mold, shape dena. So plastic surgery means it is a surgery where we give shape to different organs and improve the aesthetic appearance of an organ. It doesn't mean that any kind of plastic is used. Sir, gore hone ke liye kaun si surgery use hoti hai, please bataiye. Gore hone ke liye zaruri hai ki aapke parents gore ho, iske alawa aur koi surgery to hoti nahi. So what are the extreme transformations that we look in the movies, mm-hmm. actually real or reality based? So movies are never meant to be reality based. They are a vision of the director and the writer and others. So I don't think movies are something which are a reflection of reality. But having said that, movies do have a lot of impact on the society. So there are definitely trends like having a particular type of body shape or having a particular type of feminine appearance, masculine appearance, that has caught really the imagination of people and that has changed the way people look and behave. If you look at the way our actors were in their 60s and 70s with almost no makeup or no non-surgical enhancements such as fillers and Botox, and then you come to 70s, 80s, 90s where people started doing few things on the face, and now in the 21st century where people are quite open about the fact that they have done cosmetic surgeries to enhance their looks, we have come a long way. So yes, the trend is for
doing certain plastic surgeries to enhance what you already have. So, अगर आपके पास कोई patient आता है और major transformation मांगता है, multiple surgeries की demand करता है, तो how do you plan it? So, इसमें patient की psyche समझना बहुत important है. I sometimes get patients who I feel have unrealistic expectations. So, जब मुझे ऐसा कभी भी लगता है that this patient has an unrealistic expectation, then I need to come them, make them come for at least 2-3 different consultations. I preferably ask them to come with a relative, either their parents or some sibling or some friend who can also give inputs during the consultation. Because if two people tell the person that aap jo soch rahe hai wo impossible hai ya wo you know scientific nahi hai, then probably it makes more sense to the person. So unrealistic expectation is something which you need to bring down to a normal level, to a ground level of expectation, and only then you can suggest any kind of plastic surgery or cosmetics. So basically what I understand is major transformation plan karna patient and doctor dono ke haath mein hota hai, and yeah. major transformation ek plastic surgeon ki galti nahi kehlata hai jo usually aajkal Instagram pe hum dekhte aa rahe hain. Sometimes the demand of the patient is such that they want a particular look, and if that surgery is done to give them that look, ye zaruri nahi hai ki wo look unko khud ko pasand aaye, ya zaruri nahi ki unke jo followers hai ya jo friends hai unko wo look achhi lage. So isme plastic surgeon ka utna matlab role nahi hai ya utni galti nahi hai, because he or she has just done what the patient wants. But having said that, as plastic surgeons, it is our responsibility also to guide our patients properly. And just because we have the knowledge to perform a surgery doesn't mean humko sari surgeries karni chahiye. We also should know when to say no to a patient. So what are the credentials or qualifications that a person has to look for while going to a certified plastic surgeon? So a qualified plastic surgeon, usually you will have a degree of either MCH or DNB in plastic surgery, which are the only two recognized degrees in plastic surgery in India. And then you should also look at the accreditations the plastic surgeon has with various societies, because most of the societies don't allow non-plastic surgeons to enroll. So you should make sure that in India, the plastic surgeon is a member of Indian Academy of Aesthetic Plastic Surgeons, which is called as IAAPS. And if you want something international, then there is a society called as the International Society of Aesthetic Plastic Surgeons, or ASAPS. So these are some societies which are very strict. They make sure that only qualified plastic surgeons can become a member. And they also have a lot of conferences every year where a lot of scientific information is shared, so that we ensure that the patient does not have a suboptimal outcome. And basically, kaun si aisi warning sign hai jo ki unqualified doctor ki pehchan hai? What a patient understand from in a consultation? So, agar koi aapko bahut zyada glamorous picture dikha raha hai ya bahut rosy picture dikha raha hai, विदाउट टेलिंग यू कि आपको स्वेलिंग भी आ सकती है, आपको डाउन टाइम भी लगेगी, आपको ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इफ़ द साइड इफेक्ट्स आर नॉट बीइंग एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली टू यू, देन प्रोबेबली यू शुड थिंक दैट यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट. और ऐसी कौन सी एक्रेडिटेशन है जो कि हॉस्पिटल या क्लिनिक की, या फिर सेफ्टी मेजर्स है जो एक पेशेंट को देखना चाहिए? So there are two main accreditations that a clinic or a hospital has. One is NABH and the second is ISO. So if your hospital or clinic has NABH certification, ISO certification, iska matlab ye hota hai ki the level of sterility that is followed, the level of patient care that is followed, the level of maintenance of proper paperwork that is done, that conforms to international standards. So you can see that your hospital has these kind of accreditations. During a consultation, what role does before after pictures and testimonial have? So testimonials usually patients already dekh ke aate hain, but before after photos are very important. So seeing at patients who have had a similar kind of surgery gives you a lot of hope, it gives you a lot of
यू नो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिकॉज बिफोर आफ्टर फोटो इज नॉट लाइक डूइंग समथिंग ऑन फोटोशॉप और यू नो टू शो समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल. दीज आर एक्चुअल पेशेंट फोटोज ऑफ सिमिलर सर्जरीज बींग डन. सो उनकी रिकवरी होने के बाद आई नॉर्मली शो देम इंटरवीनिंग फेज ऑल्सो दैट पोस्ट सर्जरी आपको इतना स्वेलिंग रहेगा या ऐसे कुछ दिनों के लिए दिखेगा एंड देन द फाइनल आउटकम. सो ऐसे जब उनको मैं टाइम लाइन देता हूँ देन इट बिकम्स ईजियर फॉर द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड कि कितने दिन घर पर रुकना है, कितने दिनों बाद आप सोशल लाइफ रिज्यूम कर सकते हैं एंड एट वॉट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल एक्सपेक्ट टू हैव द फाइनल आउटकम. How important is seeking referrals from a surgeon, from a person who has already got a surgery done? अब referrals का चक्कर ऐसा है कि जिन्होंने surgery की है वो तो कभी चाहते नहीं कि मैं किसी को बताऊँ कि मैंने surgery की है, और जिन्होंने surgery नहीं की वो तो चाहते कि मैं किसी से बात करूँ. So referrals really depend on what surgery it is. If it's a surgery of a private area, then patients are not really comfortable disclosing to anyone that उन्होंने वो surgery की है. कुछ areas के लिए patients do you know give their opinion or they are comfortable talking to someone, but it is not always possible to have a referral with someone because थोड़े से plastic surgery में privacy का भी issues आता है. So we can't really you know reveal a person's name, identity और फोटोज और एनीथिंग विदाउट देयर कंसेंट. सो रेफरल में वो एक थोड़ा सा इशू आता है. सो टू एंड द और बेसिकली कंक्लूड आवर डिस्कशन, सो व्हाट आर द फाइव नॉन नेगोशिएबल यू नो फैक्टर्स दैट आर रिस्पांसिबल और एल्स टू लुक फॉर बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ सर्जरी? सो यू नीड टू बी इन अ प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. डोंट डू एनी सर्जरी व्हेन यू आर इन एनी काइंड ऑफ इमोशनल प्रेशर. सो सर्जरीज आर नॉट टू बी लुकड एट एज शॉर्टकट्स. ऐसा नहीं कि किसी ने आपको रिजेक्ट किया तो आप गुस्से में आके कोई सर्जरी करो, या आपको लाइफ में सैलरी नहीं बढ़ रही या जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप जाके सर्जरी करो. दीज आर नॉट आइडियल सिनारियोज. ऑफकोर्स इफ़ यू हैव एनी एडिक्शंस तो आप उन एडिक्शंस को कंट्रोल में लाइए. इफ़ यू आर अ स्मोकर यू नो क्विट स्मोकिंग और आइदर कट डाउन स्मोकिंग, क्विट हैविंग अल्कोहल. बिकॉज आप कितनी भी कॉस्मेटिक सर्जरीज प्लास्टिक सर्जरीज कराएंगे एंड स्टिल इफ द एडिक्शंस आर गोइंग टू बी देयर द रिजल्ट्स मे नॉट लास्ट. सो यस यू नीड टू बी रियली इनटू एन ऑप्टिमल फिजिकल एंड इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ बिफोर ऑप्टिंग फॉर एनी प्लास्टिक सर्जरी. थैंक यू डॉक्टर फॉर टुडेज डिस्कशन. सो आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ यू हु आर यू नो प्लानिंग टू गो फॉर एनी सर्जरी. सो थैंक यू अगेन फॉर द टाइम. And don't forget to like, share, and subscribe.